हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको सेकंड लेसन पढ़ा रहे थे और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आज हम उससे रिलेटेड आपको अपनी इस बुक के न्यूमेरिकल करवाते हैं। तो जो विद्युत विभव टॉपिक ख़त्म हो गया था उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे, उसके बाद जो शेष टॉपिक रह गए वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल होंगे। तो देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल है 5×10⁻⁸ कूलाम तथा −3×10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ठीक, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने ये फिगर बनाया है, ये चित्र बनाया है, इसको आप देखिएगा। इसमें दो बिंदु लिए हमने, एक ए और एक बी। ए बिंदु पर जो आवेश है वो है Q1 = 5×10⁻⁸ कूलाम और बी बिंदु पर है Q2 = −3×10⁻⁸ कूलाम। पूछा सवाल में ये गया है कि दोनों आवेशों की वजह से किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हमने ये मान लिया ए बिंदु पर जो आवेश है उससे x दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां पर वैद्युत विभव शून्य है। A और B के बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.16 मीटर हो जाएगा। ये A से लेके P तक की दूरी जो है, डिस्टेंस है, वो है x मीटर। तो P से V तक की कितनी हो जाएगी? 0.16 - x, क्योंकि A से V तक की जो दूरी है वो है 0.16 मीटर या 16 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, हमने आपको एक सूत्र बताया था, डेरिवेशन था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, उसी से ये सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम वो लिख ले रहे हैं जो दे रखा है फ्रॉम क्वेश्चन, जो भी दे रखा है हम वो लिखेंगे। इसमें Q1 बराबर दे रखा है 5×10⁻⁸ कूलाम और Q2 बराबर दे रखा है −3×10⁻⁸ कूलाम। R बराबर दे रखा है सवाल में 16 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 16×10⁻² मीटर या 0.16 मीटर। ओके, देखिए एक बात और हमने मान ली है के ए बिंदु पर जो आवेश है Q1, इसकी वजह से बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 और बिंदु B पर जो आवेश है Q2, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 मानेंगे। ओके, तो देखिए सूत्र V=1/4πε₀ Q/R बोल्ट से B1 = कितना हो जाएगा? 1/4πε₀ Q1 / A से लेकर बिंदु P तक की दूरी कितनी है? x बोल्ट। इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, V1 = 9×10⁻⁹ Q1 कितना है? 5×10⁻⁸ x बोल्ट। ओके, या V1 = 9×5 = 45 ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁸ है, तो 10⁻ कितना बचेगा? प्लस का 1, वो लिखा नहीं जाएगा, अपॉन x बोल्ट।
यानी कि बी वन इज इक्वल टू 450 अपॉन एक्स बोल्ट, ओके। अब देखिएगा क्यू टू आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B2 इक्वल टू वही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये क्या Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए Q2 से बिंदु P तक की दूरी कितनी है 16 माइनस एक्स, तो माइनस 16 अपॉन एक्स बोल्ट, या B2 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q2 कितना है माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 अपॉन ये 0.16 माइनस एक्स 0.16 माइनस एक्स बोल्ट, यानी कि V2 इज इक्वल टू 9 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा 27 इंटू 10 10 की पावर प्लस का 9 10 की पावर माइनस 8 10 बचेगा अपॉन 0.16 माइनस एक्स बोल्ट, या B2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 270 अपॉन 0.16 माइनस का एक्स बोल्ट, ओके। ये हमने B1 और B2 निकाल लिए, B1 क्या था Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, और B2 क्या है Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब हम क्या निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, और परिणामी वैद्युत विभव कितना दे रखा है जीरो। अब देखिएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस B2, और परिणामी वैद्युत विभव दे रखा है कितना शून्य। B1 की वैल्यू कितनी है ये देखिए 450 अपॉन x, तो 450 अपॉन x प्लस B2 की वैल्यू ये है माइनस का 270 अपॉन 0.16 माइनस x इक्वल टू जीरो, ओके। देखिएगा ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा तो 450 अपॉन एक्स माइनस 270 अपॉन 0.16 माइनस का एक्स इक्वल टू जीरो। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 450 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 270 अपॉन 0.16 माइनस का एक्स, ये 95 जा 45 और 93 जा 27। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू हो जाएगा 0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 5 जा 0.80 माइनस का 5x इक्वल टू 3x, या 0.80 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 5x, या 3x 5x 8x इक्वल टू हो जाएगा 0.80
या एक्स बराबर 0.8 / 8 या एक्स बराबर इसका इससे डिवाइड कर दीजिए तो 0.10 meters या एक्स बराबर 10 centimeters। मतलब समझे कि Q1 आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। Q1 आवेश ये कितना है 8 × 10⁻³⁸ कूलम। से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। यानी Q1 आवेश जो कि कितना है, नहीं ये है 5 × 10⁻⁸ कूलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ये देखिए Q1 आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलम, इसी से तो x बराबर माना था ये बिंदु P की दूरी, तो Q1 आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। स्टूडेंट्स ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सवाल, इसमें एक कंडीशन अभी और हो सकती है। अभी हमने क्या माना है कि बिंदु A और B यानी कि दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत विभव शून्य हो सकता है। साथ ही साथ एक कंडीशन और भी हो सकती है कि अगर हम बिंदु B से इधर कोई पॉइंट ले लें तो वहाँ भी वैद्युत विभव शून्य हो सकता है। तो देखिएगा सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, ये ए पॉइंट ये बी, ए पर आवेश Q1 है, बी पर आवेश Q2 है, ए और बी के बीच की दूरी अर्थात Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की दूरी है 0.16 meters। अब हमने क्या किया, बिंदु P को बिंदु B से बाहर लिया है, ये जिसकी बिंदु A से दूरी कितनी है x, Q1 आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है x मीटर, तो Q2 आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी x माइनस 0.16 लिखा है। तो देखते हैं Q1 आवेश के कारण B1 = 1/4πε₀, Q1 / distance कितनी है x, यानी कि B1 = हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है, Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ अपॉन x, ठीक बोल्ट, इसे हम इक्वेशन बन दिए दे रहे हैं। अब देखिए Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B2 = हो जाएगा 1/4πε₀ Q2 / distance कितनी है x − 0.16 बोल्ट, वैल्यू पुट कर दीजिए तो B2 = 9 × 10⁹
इंटू क्यू टू कितना है माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 अपॉन एक्स माइनस 0.16 ओके बोल्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसमें आगे आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 0.16 बोल्ट ओके। अब देखिएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव वही V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो V1 और V2 की वैल्यू रखेंगे, V1 कितना है ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस ये B2 की वैल्यू रखेंगे, ये B2 की वैल्यू माइनस है तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये B2 की वैल्यू है माइनस का 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 अपॉन एक्स माइनस 0.16 देखें इतना ही है एक्स माइनस 0.16 इक्वल टू 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन एक्स देखिए इक्वल टू 0 है, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो ये पोर्शन बराबर किधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 0.16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस 0.16 इक्वल टू 3x ओके, यानी कि 5x माइनस 16 5 जा 80 तो 0.80 इक्वल टू 3x। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3x इक्वल टू 0.80 या 2x इक्वल टू 0.80 या x इक्वल टू 0.80 अपॉन 2 या x इक्वल टू 0.40 मीटर या x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये इसकी दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या थी, ये कि हम बिंदु P को इसके A और B के मध्य में मान लें, और दूसरी कंडीशन में हमने माना था बिंदु P को इसके बाहर। तो जो वैद्युत विभव है वो दो जगह शून्य होगा, जो आवेश है Q1 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु B की तरफ, या फिर बिंदु B से बाहर A बिंदु पर जो आवेश है उससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसे आप एक बार पुनः देख लीजिएगा।